वेलकम बैक टू माय चैनल लॉर्ड साहब। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली डेफिनेशंस। जो भी आपके इसमें सीपीसी में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिस मतलब आगे बढ़ने से पहले हमें इन डेफिनेशन को देखना पड़ेगा ताकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकें, क्योंकि आगे टेक्निकल टर्म्स यूज होने वाली है। अगर हमें ये नहीं पता होंगे तो हम आगे जो प्रोविजंस हैं उन्हें अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाएंगे उनसे। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को एंड तक देखिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो जो आपका क्लोज नाइन है वो डेफिनेशन देता है जजमेंट की। वो सीधी सी बात ये कहता है कि जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। सीधी एक बात यहाँ पे निकल के आती है कि ऐसी स्टेटमेंट जो कि जज के द्वारा दी जाती है, जो कि ग्राउंड्स बनती है किसी भी डिग्री या ऑर्डर का। अगर मैं इसी बात को इंग्लिश में बोलूँ तो दैट अ जजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑन विच अ डिग्री और एन ऑर्डर वॉज पास बाय हिम। इन द क्लोज 14 देयर वाज अ डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर वॉज गिवन। इट मीन्स The formal expression of any civil court, decision of a civil court, जो कि डिग्री नहीं होगा वो ऑर्डर कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि डिग्री को छोड़ के जो भी फॉर्मल एक्सप्रेशन सिविल कोर्ट देती है, जो भी डिसीजन सिविल कोर्ट का आता है वो ऑर्डर कहलाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जजमेंट की अगर हम बात करें तो इसके सबसे पहले हम इसेंशियल समझते हैं। एक केस आया था विद्याचरण शुक्ला वर्सेस खूनचंद बघेल का 1964 का, वेरी इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, देयर शुड बी अ स्टेटमेंट फॉर द ग्राउंड ऑफ द डिसीजन। इसमें जजमेंट के बारे में ये कहा गया कि जब कोई भी जज जजमेंट देता है तो वहां पे जो भी डिसीजन वो सुना रहा है उसके जो ग्राउंड्स है वो उसे वहां पे मेंशन करने पड़ेंगे, जो कि जजमेंट कहलाएगा। इन ऑल सारा का सारा जजमेंट ऑफ द कोर्ट अदर देन स्मॉल कॉज। अगर हम बेसिक सी बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें रहेगी। अगर कोई भी ऐसी कोर्ट जजमेंट पास कर रही है जो कि एक स्मॉल कॉज कोर्ट नहीं है, कंसाइज स्टेटमेंट रहेगी केस के बारे में। सेकेंडली पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन रहेगा। थर्ड पे डिसीजन क्या रहा वो रहेगा। एंड लास्टली एंड फोर्थली रीजन क्या रहा, रीजनिंग क्या दी गई जो आपने डिसीजन दिया है एज अ जज। आप ही सोचिए कि अगर आप जज है तो आपने जो डिसीजन दिया उसकी क्या रीजनिंग, उसका क्या बैकग्राउंड रहा, तो वो आपको बताएंगे। यहाँ पे एक मैं इसमें से अलग हटके एक चीज बताता हूँ, अगर कोई स्मॉल कोज कोर्ट है और उसे अपना जजमेंट देना है तो उसमें सिर्फ हमें 2 और 3 पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है और डिसीजन क्या है, सिर्फ ये 2 चीजें मेंशन करनी पड़ेगी जजमेंट में। उसमें ज्यादा बड़े जजमेंट में जाने की बात नहीं है। केस आया बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदान का 1999 का। इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया कि एक जज सिर्फ ये नहीं कह सकता कि दैट अ सूट डिक्रीड और सूट डिसमिस्ड बिना किसी रीजनिंग के। आप अगर आप फ्यूचर में जाके ये सोचे कि जज बनते हैं और आप वहां पे दोनों पार्टीज को सुनने के बाद ये कह दे, आप एक प्रैक्टिकल नॉलेज से देखिए, प्रैक्टिकल आईज से देखिए कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है चीजें। आप वहां पे कुर्सी पे बैठ के, चेयर पे बैठ के ये कह दे कि भाई दिस पर्सन इज एक्विटेड, दिस पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड एंड डिफरेंट डिफरेंट आपको जो भी सजा देनी है आप दे दे बिना किसी रीजनिंग के। तो यहाँ पे कोर्ट ने इस केस में मना कर दिया गया कि सिर्फ जो जज है वो ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता कि दैट द सूट इज डिसमिस्ड और सूट इज डिक्रीड। उसके लिए उसे रीजनिंग जो नेसेसरी है वो देनी पड़ेगी उसके पीछे। फिर आता है हमारा ऑर्डर। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जो भी फॉर्मल एडजुडिकेशन या फॉर्मल डिटर्मिनेशन होगा जो कि डिग्री नहीं होगा वो ऑर्डर कहलाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि डिग्री और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, ये बहुत जरूरी है, इसे फोकस करके पढ़िएगा। जो डिग्री पास की जाती है वो सिर्फ ऐसे सूट में की जाती है जो कि जिसका जो कमिसमेंट होता है वो प्लेंट के द्वारा होता है। आप ये देखिए कि आप अगर केस लेके जाते हैं किसी कोर्ट में तो बाय वे ऑफ प्लेंट
बाय ऑफ पिटीशन, बाय ऑफ एनी एप्लीकेशन। तो जो प्लेंट के द्वारा केस चलाए जाते हैं, कमेंट्स किए जाते हैं, दे आर नोन एज डिक्री। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें ऑर्डर, ऑर्डर कौन से केसेस में आता है? एन ऑर्डर कैन बी पास इन अ सूट इंस्टीट्यूटेड ऑन अ प्लेंट एज वेल एज। तो जो ऑर्डर ऑर्डर किस में आ सकता है? किसी एक प्लेंट के द्वारा कमेंट्स किया गया सूट, या किसी पिटिशन या एप्लीकेशन के द्वारा सूट का कमेंसमेंट हुआ हो, तो ऑर्डर वहां पे आ सकता है। लेकिन डिग्री कहाँ पे आएगी? सिर्फ वहां पे जहां पे जो सूट कमेंट्स किया गया है वो किसी एक प्लेंट के द्वारा किया गया है। सेकेंड पॉइंट क्या आता है डिफरेंस का? जो डिग्री होती है वो डिटरमाइन करती है राइट्स ऑफ द पार्टीज को कंक्लूसिवली। लेकिन अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर फाइनल भी हो सकता है और इंटरिम ऑर्डर भी। आपने सुना होगा कि इंटरिम ऑर्डर मिल जाते हैं, लेकिन जो डिग्री होती है वो फाइनली जो पार्टीज के राइट्स होती है उसे डिटरमाइन कर देती है। डिग्री जो होती है वो प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, लेकिन कोई ऑर्डर प्रिलिमिनरी ऑर्डर नहीं हो सकता। नंबर फोर्थ क्या है डिफरेंस इनके बीच में? ये है कि एवरी डिग्री इज अपीलेबल अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। हर एक डिग्री की अपील जा सकती है दूसरी कोर्ट में, अपर कोर्ट में। कब तक? जब तक कि वो एक्सप्रेसली ये बार ना करी गई हो। लेकिन अगर हम ऑर्डर की बात करें, सिर्फ स्पेसिफाइड जनरल रूल ये है कि ऑर्डर की अपील नहीं जाती है, लेकिन सिर्फ स्पेसिफाइड केसेस में अपील जा सकती है। नंबर फाइव जो डिफरेंस है, जो डिग्री की अपील जाती है वो हाई कोर्ट में जाती है, लेकिन ऑर्डर की हम बात करें तो यहाँ पे डिग्री की अगर हम बात करें, जो सेकंड अपील लाई करेगी वो हाई कोर्ट में करेगी फर्स्ट अपील के अगेंस्ट। लेकिन अगर ऑर्डर की हम बात करें, यहाँ पे सेकंड अपील का कोई भी प्रोविजन हमें नहीं मिलता। मूविंग फर्दर, जजमेंट और डिग्री में क्या डिफरेंस है? हम इसे देखते हैं कि जजमेंट जो है वो स्टेटमेंट है जजेस की, जिसके ग्राउंड पे उन्होंने डिग्री या ऑर्डर को पास करा। लेकिन डिग्री क्या है? डिग्री एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें कि जो ग्राउंड्स है वो रिक्वायर्ड नहीं है कि जज वो ग्राउंड्स मेंशन करे वहां पे कि किस वजह से उसने डिग्री को पास कराया। जजमेंट में फॉर्मल एक्सप्रेशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन डिग्री का जैसे हमने अपनी पहले भी वीडियो में देखा है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट टू मेक अ डिग्री। थर्डली, द रिलीफ ग्रांटेड इज रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड प्रिसाइजली इन द जजमेंट। जो रिलीफ ग्रांट करा गया है वो प्रिसाइजली जो जज के द्वारा मेंशन करा जाएगा जजमेंट में। अगर हम डिग्री की बात करते हैं, डिग्री जो है वो डिटरमाइन करती है राइट्स को डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। नंबर फोर्थ क्या आता है? अ जजमेंट इज पास इन अ स्टेज प्रायर टू पासिंग अ डिग्री। डिग्री पास होने से पहले जजमेंट पास किया जाता है। लेकिन अगर हम डिग्री की बात करें तो जो डिग्री आती है वो जजमेंट के बाद आती है। जजमेंट जो है वो आपके सिविल एज वेल एज इन क्रिमिनल केसेस में अनाउंस किए जाते हैं, प्रोनाउंस किए जाते हैं, लेकिन डिग्री जो आती है वो सिर्फ सिविल केसेस में आती है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे आती है एक क्लोज फाइव की डेफिनेशन आती है फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट से हम क्या समझते हैं? तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है। फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टैब्लिश और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसी कोर्ट जो कि भारत जो है, इंडिया जो है उससे बाहर हो, और इसके साथ साथ एक कंडीशन क्या आती है कि वो स्टैब्लिश या कंट्रोल या कंटिन्यू ना की जा रही हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम उसे फॉरेन कोर्ट कहेंगे। क्लोज 11 में आती है डेफिनेशन लीगल रिप्रेजेंटेटिव की। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि सिविल में इतने लंबे केसेस चलते हैं तो वहां पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव, भाई कोई मरता रहता है तो फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके राइट्स के लिए लड़ता है। तो ये सारी चीजें, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो पर्सन होता है हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ डिजीज पर्सन। कोई अगर पर्सन ए एंड बी पर्सन है, बी इज द सन ऑफ ए, देन ए ने सी के ऊपर कोई सूट लाया एंड इन बिटवीन ए की डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से, देन बी इज गोइंग टू बी द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए एंड ही इज गोइंग टू कंटिन्यू द सूट अगेंस्ट सी।
ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्लोज 12 में दिया गया है मेन प्रॉफिट, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग ये है लेकिन इसे बोलते हैं हम मेन प्रॉफिट ही है। मेन प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जब कोई पर्सन रॉन्गफुल पोजेशन में हो किसी प्रॉपर्टी के, एंड एट दैट टाइम ही गेन एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी, देन ऑल ऑफ दैट प्रॉपर्टी प्रॉफिट इज नॉन टू बी अ मेन प्रॉफिट। अगर हम इसकी लीगल लैंग्वेज पढ़े तो ये कहती है मेन प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉफिट which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom, together with interest on such profit, but shall not include, यहाँ पे एक कंडीशन लगाई गई है कि उसमें मेन प्रॉफिट में इंक्लूड क्या नहीं होगा, प्रॉफिट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट मेड बाय पर्सन इन रॉन्गफुल पोजिशन। अगर कोई प्रॉफिट जो है अर्न करा गया पर्सन के द्वारा इम्प्रूवमेंट करके उस प्रॉपर्टी में, दैट इट इज नॉट गोइंग टू इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ द मेन प्रॉफिट। एट द एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ द डिक्री एंड द टाइप्स ऑफ डिक्रीज अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द ज्यूरिडिक्शन, द पार्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन अंडर सिविल प्रोसीजर कोड। एट द एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।